नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू बस स्टैंड के समीप बीती शाम रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर से आग लग गई। इस दौरान आग पर काबू पाने के लिए दुकान संचालक ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और वह बुरी तरह से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आगजनी की घटना के दौरान दुकान का काफी सामान जलकर खाक हो गया है। चला। चलो आ गई। बिल में मार दो, उधर से कूद जाए। नीला बोड़ा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीती शाम तकरीबन 7 बजे समान थाना क्षेत्र की नए बस स्टैंड के सामने संचालित खाना खजाना रेस्टोरेंट में अचानक गैस सिलेंडर से आग भड़क गई। इस दौरान दुकान संचालक द्वारा तत्काल आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते वह भी झुलस गया। वहीं दुकान से धुआं और आग की लपटें निकलता देख तत्काल आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और कुछ ही देर में आग को बुझा लिया गया। हालांकि इस दौरान दुकान में काफी कुछ सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं दुकान संचालक को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हम आपको बता दें, अगर तत्काल आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यहां एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि यह शहर का काफी घना इलाका है और इसके आसपास बड़ी संख्या में दुकानें संचालित होती हैं।